तो गाइस मंदिर में जो बर्फ पड़ी है वहाँ पे, कल रात जो बर्फ नहीं पड़ी थी वहाँ, देखो तो गाइस रामबाड़ा का पहला पुल है भाई। पक्का चलें रास्ते से फिर? ये 3.5 किलोमीटर है अब जो गाइस, यहाँ से भी बर्फ ही दिख रही है अभी फिलहाल। तो जिससे पूछ रहे हैं वो एक्सट्रीम बता रहा है। भाई आ रहे हैं, उनको ऑक्सीजन बहुत कमी हो रही है। भाई लोग मिल रहे हैं, भाई लोग कहाँ से हो आप? हटी मजा। भाई आप कहाँ से? हंस भाई क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कमी है, सांस नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। होप करते सारे बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना। और कल वाला एपिसोड कैसा लगा, पुराना वाला बताना। तो अब हम आए हैं गौरीकुंड, जैसे हमने कल तक देखा होगा कल वाले एपिसोड में, पुराने एपिसोड में। तो अभी हम गौरीकुंड के पास अब यहाँ पे नहाएंगे, उसके बाद ही चढ़ना शुरू करेंगे। बिकॉज होटल में तो गाइस बहुत ठंडा पानी था ना, और यहाँ पे गौरीकुंड में गर्म आता है, तो इसीलिए। गाइस चढ़ना कर दिया हम लोगों ने शुरू। अभी बच्चे गैंग पीछे आ रही है, हम लोगों ने जो 6 बंदे आए थे वो भी चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी जो पीछे आ रहे हैं, इधर आगे का रास्ता कुछ ऐसा, बाकी सब पीछे आ रहे हैं। ठंडा सच में भाई लिटरली बहुत है देहरादून में, पता नहीं कब देखा होगा कि मतलब ऐसा ठंडा पड़ता है, बट रियली बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है। बाकी किसी भी देखते हैं आगे के। तो गाइस अपने यात्रा की शुरुआत हो गई है, आप सारे चल रहे हैं, कुछ आगे कुछ पीछे और कुछ नीचे रूम पे कुछ आ रहे हैं। सनली स्टार्टिंग की जो चढ़ाई है वहाँ पहुँच चुके हम। देखो ना साफ साफ लिखा है, केदारनाथ इज नॉट अ पिकनिक स्पॉट, जीवन सत्य जीव सत्य एवं पशु यातना के महापात से बचे। ये देखो आपकी यात्रा मंगल में हो, जय श्री केदारनाथ जी। चल रहे हैं हम। गाइस अभी ऐसे ही चढ़ा हूँ 3-4 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा, हालत सच में ख़राब हो रही है अभी सी। लैटिट्यूड सांस ना आना यहाँ हो सकता है नॉर्मल, इसलिए कपूर भी रखे हैं साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं। खैर खड़े खड़े हैं इसीलिए, अब उचार होने का वेट करते हैं, रील्स वगैरह भी शूट करनी है, बस ये कुछ चीज से। गाइस यहाँ पे पहला ब्रेक अपनी मैगी आ गई है, यहाँ पे मैगी खा के चढ़ते हैं फिर। गाइस अब कुछ खा पी लिया है, अब जाके थोड़ा लग रहा है कि हाँ पेट में है कुछ, अब चल रहे हैं। तो गाइस मंदिर में जो बर्फ़ पड़ी है वहाँ पे, कल रात जो बर्फ़ नहीं पड़ी थी वहाँ, देखो ये देखो। ओ भाई क्या भाई हो, चले राजा? एक घंटा पहले तुम निकले हमसे यार, ज्यादा पहुँच रहे। तो गाइस चढ़ रहे हैं दाई लोगों के साथ, और यहाँ पे देखो जो घोड़े में जाते हैं वो घोड़े में जाएंगे, अपन तो पैदल जा रहे हैं, पर सांस फूल रही है। ये देखो ये सामने इस देखो दो हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, एक ये और दूसरा ये। और भाई क्या सुंदर लग रहा है वहाँ पे, देखो धूप निकल रही है ना। ये भी नहीं टेंपल दिख रहा है मेरे को, तो अभी दिखा नहीं, फिर कहीं ऐसा लग रहा है ना ऊपर जो बर्फ है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे डायमंड वर्क कट नहीं होता उसका, ऐसा लग रहा है ऐसा बहुत ही सुंदर, मतलब केदारनाथ स्वर्ग। और कहीं बहुत ठंडा हो रहा है, पसीना भी निकल रहा है, कैप लगाओ तो खुजली हो जा रही है सर में। आई थिंक -5 डिग्री यहाँ पे होगा ऊपर मंदिर में, तो बोले बाबा मालिक कितना होगा। गाइस जी बिल्कुल सही तरीके से चल रहे, देखो ये आएगा और ये देखो रगड़ के चले जाएगा। ये देखो ऐसी है सिचुएशन है, और देखो ऐसे गाले देते लोगों के कोई क्योंकि बोलता है तो कम्युनिटी उत्तराखंड गवर्नमेंट इसे करेंगे सही जल्दी, चलो उत्तराखंड गवर्नमेंट ही करेगी सही, कहा था कि हम करेंगे सही, पर
नॉट फेयर, अच्छा नहीं है कि टूरिस्ट आ रहे हैं अपनी देवभूमि में और उनके साथ ऐसा बिहेवियर है, गाली दी जा रही है। इट नॉट फेयर। हम तो कोई नहीं, उत्तराखंड के लोकल हैं, जो बाहर से आ रहे हैं वो कुछ बोल रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड। और इतना इतना सामान इन पे लेके जाते हैं, एक एक क्विंटल इन पे सामान ले जाते हैं। ये ऐसे कुछ मैंने खुद दिखाया जाए, बिल्कुल रगड़ते हुए ले जा रहे हैं, जैसे पूरी रोड घेर के चलते हैं लोग। इसीलिए जब आओ तो देख के आना। जैसे हम लोग आ रहे हैं, ये देखो दो दो सिलेंडर 60 किलो तो यही, और किसी किसी में 40 की बोरी भी है। हाँ तो गाइस तो बता रहा, जैसे जो यहाँ की ग्रीनरी है उसे देख के आपके सामान ऑटोमेटिक मिट जाएगी। और सामने चेक करो एक बार आप अल्टी। तो गाइस रामबाड़ा हम पहुँच चुके हैं, वो सामने पुल रामबाड़ा का, मुझे सोनू मिल गया था यहाँ पे, और काकू और अंशुल विक्की सारे आ गई हैं अभी, अमन भाई और बाकी जितने सारे थे पीछे आ रहा है पूरा ग्रुप। तो ढाई लोग आगे निकल गए थे, तो बहुत सही चल रहे हैं, तो आगे निकल गए थे। अब हम रामबाड़ा में रुकेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर ट्रैक की तैयारी एक नंबर। देखो सामने गाइस रामबाड़ा का पहला पुल है और दूसरा आ गया है। और गाइस ये रामबाड़ा का दूसरा पुल, रास्ता ऐसा, और इनसे तो परेशान हो गया गाइस घोड़े वाले से, कायरपुर में गिर जा रहे हैं। अब इसके पैर में चढ़ गया था एक घोड़ा, तब बोला फिर साइड हुआ, वो दो तीन घोड़े गिराए इसके पहले पैर में, फिर एक इसके जूतों में चढ़ गया था, वो तो अच्छा हुआ। ये देखो जगह है नहीं, कहाँ साइड हो बताओ, साइड हो जाओ साइड हो जाओ। तो ये ना गाइस क्या बोले किसी को, देखो घुसना है जगह होना घुसना है। एंड हेयर इज अनदर पुल। दाई किधर है मतलब? तो भाई वो देखो बहुत दूर से आए नीचे से, और बर्फ दिखाता हूँ मैं आपको अभी जूम आउट करके। ये देखो गाइस बर्फ मतलब बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, दूर भी तो काफ़ी है। जो अब शॉर्टकट देखेंगे, कुछ खाते हैं आगे जाके। गाइस एक पार्टनर और आ गया है, वो आ रहा है, इधर बुला लेना, फोन कर रहा था, तेरे फोन आएगा तेरे ऊपर, वो आजा आजा देख, इधर देख सामने देख, ये देखो हाथ ऊपर करा मैंने, देखो आजा। गाइस जो पालकी वाले होते हैं ना, ये देखो पूरे कदम भी एक एक साथ रखते हैं, एक साथ साथ पैर रखते हैं। और बाकी अभी सैनी भाई भी आ गए थे ना, अभी फिर चलते हैं। रामबाड़ा से इतना ऊपर आ गया, और गलती से हमने ऐसे शॉर्टकट मार लिया था, और हालत ख़राब, बंद कराओ ना शॉर्टकट वाले, कर लिया था। अब चलते हैं नाश्ता करना है, भूख बहुत तेज़ लग रही है, अब तो टाइम हो गया सुबह के 8:24। गाइस एक शॉर्टकट याला मारते हैं, देखी जाएगी याला। पहले वाले में तो हम फंस गए थे, बता दिया मैंने गाइस को, ऑडियंस को, उसमें तो गाइस फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से टॉप क्या है उसकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि दिस इज नॉट गुड। चल रहे हैं गाइस, चल रहे हैं शॉर्टकट से, हालत डाउन है। गाइस शॉर्टकट मार के सांस बहुत फूल गई है, दो अगर हम वहाँ से आ रहे थे ना पहले वाली, तीन एक दो तीन चार पाँच छः मोड़ मुड़ के सातवीं मोड़ यहाँ पड़ती है अली, पर दिमाग चला के थोड़ा शॉर्टकट लगा लिया, पर बहुत ही डेड एंड था। क्यों सनी भाई भाई हालत डाउन, भंगार चलेगा थोड़ा ऊपर, या दुकान में बैठे थे। गाइस शॉर्टकट मार के पहुँचे थोड़ा ऊपर, हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा, रास्ता भी एक तो स्ट्रगल वाला है ना। तो गाइस वही कह रहा था मैं, जब आप मंदिर आओगे केदारनाथ पैदल आना, क्योंकि तीर्थ का आनंद पद में ही है। बर्फ देखो गाइस,
क्या प्यारी लग रही है ना, ये देखो पीछे है अभी काफ़ी बर्फ से, पर गाइस जो दिख रहा है ना, मतलब जो है, जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे करोड़ गुना बढ़िया, क्या बात है। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Guys, पूरे केदारनाथ जी तक एक ही ट्रैक्टर आता है, ये इसका नाम पता नहीं पड़ता था, जोगा, हाँ जोगा नाम है इसका। पूरे ऊपर तक जाते टेम्पल तक, ये देखो भाई लोग से बात कर रहे हैं, ये पूछते हैं ना, ये तो सुना लिखा है भाई, ये पूरा मंदिर तक जाता है। कितने बंदे जाते हैं इसमें, 4x4 है कि नॉर्मल? 4x4 साइड ही चल रही जी, तुम्हें चाहिए सारी जगह तो चलने को, साइड में हो रखा था, तुम्हें चाहिए तुम जाओ आगे बताऊं। ये देखो हमारे अंश भाई आ रहे हैं, इनको ऑक्सीजन बहुत कमी हो रही है। अंश भाई क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कमी है, सांस नहीं आ रही, कपूर की खुशबू तक नहीं आ रही, तो वो सुनते हैं। और यहाँ देखो जरा, हम यहाँ बहुत पहाड़ हैं ऊँचे ऊँचे, यहाँ पर थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। और अभी हमें यहाँ से 5 किलोमीटर और ऊपर जाना है, तो जहाँ का मतलब ये है ना, हॉर्स कम्युनिटी बहुत बेकार है, अभी तो टक्कर मार के चले गए थे हम, गिरने से बचे। किसानी भाई कहाँ लगी तुम्हारे, हाथ में लगी ना, गिरने वाले थे अभी उन्होंने, मतलब साइड में बिल्कुल ऐसे रेलिंग में खड़े हुए थे नीचे, वहाँ पे जहाँ भैया खड़े हुए टक्कर मारी उन्होंने, और ये रेलिंग हिल गई हो तो बच्चा हो गिरे नहीं, और उन्हें फिर बोलना था आपको बताइए कैसा है, तो इसलिए नियम प्रूफ हो यहाँ पे तो अच्छी बात है। और बाकी साथ के आ रहे हैं भी दाई लोग, पता नहीं कहाँ पहुँचे, अभी पता नहीं कहाँ पहुँचे। तो भाई एक और शॉर्टकट मार देता गलती से, क्या हाल है दादी भाई, और शॉर्टकट नहीं मारते तो कहीं वहाँ से घूम के आना पड़ता, देखो पूरा 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 बहुत लंबा, और शॉर्टकट यहाँ से लंबा था क्या शॉर्टकट भी, मंदिर शायद दिखेगा अब। आदि के पैर में आया था क्रैम, गाइस अब एक और शॉर्टकट मारने की सोच रहा है। गाइस जितने से भी पूछ रहे ना, एक्सट्रीम बता रहे हैं ये रास्ता, जिनसे भी पूछा, अब चलते रहते हैं, करना क्या है, अब चलते हैं। है दाई दाई चलना तो पड़ेगा दाई, बेस कैंप वहाँ पे पक्का चलें रास्ते से। फिर गाइस देखो ये शॉर्टकट है, अब क्या करें, 1 किलोमीटर का पूरा देगा, और ये 3.5 किलोमीटर है, अब जो जिससे पूछ रहे हैं वो एक्सट्रीम बता रहा है ये। गाइस रास्ते की मद्देनजर रखते हुए यहाँ से आना पड़ा मजबूरन, पर रास्ता बहुत डेंजरस है गाइस, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। और चढ़ना पता है मैं कहाँ हूँ, वहाँ देखो देख रहे हो लोग जा रहे हैं, 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है इसे। आदियोगी वाली मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, इसे देखो आदियोगी प्रॉपर लग रहे हो यहाँ से, दही देखो सेकंड वाला वो, ये देखो वाला, ये देखो तो आपको लग नहीं रहा क्या वो है गाइस, हेलीकॉप्टर आ रहा है। Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They say, guys, यहाँ से गिरे तो सीधा नीचे। मैं हर दिन जरूरत में हटी। भाई लोग मिल रहे हैं, भाई लोग कहाँ से हो आप? हेलो, हम खटीमा से हैं। खटीमा से आप, भाई आप कहाँ से? हम बरेली से। बरेली से। कैसा लग रहा है आपको उत्तराखंड हमारा? देवो में है ना, अच्छा मजा आ गया। अभी आप जब मंदिर देखोगे तब और ज्यादा मजा आ जाएगा। ओके तो गए लोग, भाई लोग मिले थे खटीमा से और एक बरेली से, तो चलो देख रहे हो कपड़ों की, थोड़ा रेस्ट लिया है बैठ के, वहाँ जाना है भी ऊपर, जो टावर देख रहे हो ना उससे भी ऊपर 2.5 किलोमीटर और है अभी यहाँ से। वो गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 1 किलोमीटर का ट्रैक है ये, 3 किलोमीटर का ट्रैक है, अभी आधा है 2.5 और है, बट चढ़ जाएंगे कोई नहीं। गाइस आधा घंटा हो गया मैं चढ़ते चढ़ते,
कैसी हालत है अभी, स्थिति कैसी है? अरे बहुत बुरी हालत है, सांस नहीं ले रही। गाइस सांस नहीं ले रही हमारा कपूर, एक है खत्म हो गया एक तो। अब चल रहे हैं गाइस, चढ़ रहे हैं। हाँ भाई ठीक है कि रैंप? गाइस हम ना वहाँ से आए तो हम इधर चढ़े थे, और रास्ते में आपको दिखाऊं कितना स्किप करा हमने, वो वहाँ से घूम फिर नीचे फिर घूम घूम के इधर 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 तब जाके पीछे निकलते। फिर हमने शॉर्टकट ऐसा, हमारा चार लोग पूछे कहाँ से आए। गाइस फाइनली हमने 22 किलोमीटर कवर कर लिया है, यकीन नहीं हो रहा 22 किलोमीटर कर लिया हमने। पता है कितने घंटे में, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊँ आपको, 5:30 बजे से लगा लो, 6:30 6:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 पाँच घंटे में, क्योंकि एक घंटे में बैठे भी डेढ़ घंटा उसमें लगा लो, तो 5:45 घंटे में हम चढ़ गए। अभी तो टाइम क्या हो रहा है, 12:00 बज रहे हैं, बिल्कुल ठीक है एक्यूरेट 12। और यहाँ पे नाश्ता करते हैं इस भूख, और फ़ोन तो बिल्कुल डेड होने वाला हो रहा, बिल्कुल चार्ज इस पर है नहीं, चार्ज इस पर बहुत कम है, 15-12% ऐसी होगी। सो गाइस रोड चेक करो एक बार आप, और भीड़ देखो माइनस में आई थिंक दोबारा हो गया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा हो गई है, अल्टीमेट नीचे से डबल हो गई है। आई थिंक अभी टेम्परेचर चेक करता हूँ, माइनस पाँच से ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है अभी, मतलब होट दोबारा फटने लग गए हैं। हाँ देखो इनकी तो बहुत दिक्कत रही है बेचारों की। भाई हम मनके लिए मनके खाते हैं, कर रहा ओम चौक पर रास्ते हूँ। भाई यहाँ पे हमने पराठे लिए थे, पराठे खाते हैं वही है यहाँ पे, क्योंकि रोटी वगैरह का तो सीन था नहीं कुछ, तो ये खाने पड़ेंगे यहाँ। चलो अब खाते हैं, मिलते हैं। खाना खाते थे हमने क्या देखा, रेनफॉल स्टार्ट हो गई है, क्या बात है, ये देखो दिख रही हो तो बहुत ही बढ़िया। फ़ोन में बैटरी नहीं है, अभी होटल जाके मैं इसे करूँगा फुल चार्ज। तो गाइस बैटरी डेड हो गई थी, अपन कैंप में पहुँच गए थे, अब चलते कैंप के बाहर। ठंडा लिटरली बहुत ज़्यादा, और ये बर्फ़ चेक करो यार एक बार, जो स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, पहली देखो एक बार ऐसा। और भाई केदारनाथ जी सामने स्नोफॉल चल रही है लाइव, और क्या चाहिए। क्वेश्चन हो गई थी अपना कैंप है, 20 बंदे हो गए, इसमें 5 बंदे 6 बंदे रुके हैं। बनाते रील, फिर ओम मंदिर को बना, ओम चौक को बनाएंगे रील, क्या सोच गिले हो जाएगी। हर तरफ कोरा ही कोरा है, और ये छूतंदर लोग इसी में मस्ती कर रहे हैं।